पॉपुलर सीरियल उदारिया, जहां पर आने वाला है 15 इयर्स का लीप ईयर। वेल, इसके बाद में कौन सा लीड एक्टर नजर नहीं आने वाला है, वेल सुनकर आप भी हो जाएंगे शॉक्ड। वेल, क्या कुछ होने वाला है उदारिया में, चलिए मैं आपको बताती हूँ इस वीडियो में। नमस्कार, मैं हूँ केशवी और स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। वेल, जहाँ उदारिया की टीआरपी में काफी ज्यादा गिराव चढ़ाव जो है वो देखने को मिल रहा था, अब हाल फिलहाल काफी ज्यादा गिराव आ रहा है टीआरपी को लेकर। तो ऐसे में मेकर्स एक बार फिर से लीप ईयर लेकर आने वाले हैं, और जहां पर मैं आपको बता दूं कि लीप ईयर के बाद में ये लीड एक्टर नजर नहीं आएगा इस सीरियल में। जहां कलर्स का पॉपुलर सीरियल है उदारिया और फैंस काफी ज्यादा इस सीरियल को पसंद करते हैं, तो हाल फिलहाल जहां फैंस लीड एक्टर्स को भी काफी ज्यादा प्यार देते हैं, पसंद करते हैं, और कहीं ना कहीं जो है ऑडियंस और लीड एक्टर्स के बीच में जो है कनेक्शन बन जाता है, और वो जो है उस लीड एक्टर की जगह और किसी को नहीं देख सकते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जहां उदारिया में आप देखेंगे कि 15 इयर्स का लीप ईयर आएगा और लीप ईयर के बाद ये लीड एक्टर नजर नहीं आने वाला है। वेल, कौन है ये लीड एक्टर? वेल, मैं बात कर रही हूँ अंकित गुप्ता की। जी हाँ, अंकित गुप्ता नजर नहीं आएंगे उदारिया में लीप ईयर के बाद में। वेल, अंकित गुप्ता जो है वो फतेह का भूमिका जो है वो निभाते हैं और लीड एक्टर के तौर पर जो है वो शो में है। तो ऐसे में अब कहीं ना कहीं जैसे ही फैंस को ये खबर लगी, वैसे ही फैंस ने अपने रिएक्शंस देने शुरू कर दिए। कुछ के पॉजिटिव रिएक्शंस अभी सामने आए, जहां पर लोगों का कहना है कि उनके करियर के लिए वो ऑल द बेस्ट विशेस दे रही हैं, और यू नो प्यारी प्यारी विशेस दे रही हैं, जहां पर वो और भी अच्छे अच्छे सीरियल्स करें और अपने करियर में आगे बढ़े। लेकिन ऐसे में कुछ यूजर्स जो हैं वो ये भी कह रही हैं कि यू नो जिस तरीके से फतेह की भूमिका है और जहां फैंस का काफी ज्यादा प्यार मिला, और ऐसे में अचानक से उन्हें न देखना ये फैंस के लिए काफी ज्यादा डिसअपॉइंटिंग रहेगा। तो मेकर्स को कई सारी चीजें जो है यूजर्स कहते हुए नजर आ रही हैं। वेल, क्या है आपके रिएक्शन, आप क्या कहना चाहेंगे इस पर, कॉमेंट सेक्शन में जरूर अपने रिएक्शन रखिए। बॉलीवुड टेलीविजन और एंटरटेनमेंट से रिलेटेड तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ, यानी हमारे चैनल पर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।